आज का टॉपिक है द एम ऑफ काउंसलिंग। सो यहाँ में दो एम है। फर्स्ट वन इज टू हेल्प द क्लाइंट टू कम आउट ऑफ साइकोलॉजिकल डलमिया। सो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन है उसको मीन्स सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है काउंसलिंग। देन टू हेल्प द क्लाइंट टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन। सो कभी जैसे कि हम लोग कभी कुछ भी डिसीजन लेने के लिए जब कन्फ्यूज होता है तो थ्रो काउंसलिंग क्या होता है उसमें मदद मिलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। सो यहाँ में टेक्निक्स है, काउंसलिंग का कुछ ना कुछ टेक्निक है। तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एक प्रोसेस है जहाँ में क्या होता है क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि एक न्यू एनवायरनमेंट और मेक न्यू चॉइस और एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पे न्यू थिंग्स के साथ क्लाइंट को एक फ्रेश एनवायरनमेंट में न्यू क्लाइंट को एक्सप्लेन किया जाता है। मीन्स जैसे कि जब एक फ्रेश एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं तो जाते हैं तो क्या होता है हमें माइंड फ्रेश होता है, और जब हम लोग का माइंड फ्रेश होता है तब हम लोगों को डिसीशन लेने में हेल्प होता है। तो सिंपली प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा है जहाँ में सपोज जो काउंसिलर है उसको पेशेंट को मीन्स जो क्लाइंट है या फिर जो काउंसिली है उनको एक न्यू एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं। वहाँ में क्या होता है जाके मीन्स जब हम लोग का यूजुअली हम लोग का जब टेंशन होता है तब हम लोग क्या करते हैं कुछ भी डिसीजन हम लोग क्लियरली नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा बाहर घूम के आते हैं तो ऐसा में क्या होता है हम लोग का माइंड फ्रेश होता है, तभी हम लोग क्या होता है कंसंट्रेटेड अच्छे से कर पाता है या फिर अच्छे से डिसीजन ले सकता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स है, सो क्या क्या स्टेप्स है हम लोग पढ़ाई करेगा अभी। सो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है यहाँ में काउंसिलर क्लाइंट को प्रॉब्लम के बारे में जानने में हेल्प करता है। सपोज़ हम लोग क्या होता है कभी कभी हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कैसा प्रॉब्लम है हम लोग को खुद को ही समझ में नहीं आता है, तो यहाँ में मेनली क्या होता है जो काउंसिलर है जो थेरापी प्रोवाइड करता है वो जो क्लाइंट को या फिर पेशेंट को क्या करता है हेल्प करता है कि उनका क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ में जैसे कि प्रॉब्लम पता चल गया तो यहाँ में गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जो काउंसिलर है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्लाइंट के बारे में या फिर पेशेंट के बारे में जो काउंसिलिंग लेने के लिए आते हैं उन वो पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्लस जो पर्सन का प्रॉब्लम रिलेटेड है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जो भी प्रॉब्लम मीन्स पर्सनल हो गया सोशल हो गया इकोनॉमिक हो गया जो भी एज ए होल जो पर्सन आता है उनका सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है काउंसिलर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपोथेसाइजिंग ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। सो यहाँ में क्या होता है यहाँ काउंसिलर हाइपोथेसाइज करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। मीन्स एक फ्रेमवर्क या फिर प्लान बनाता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मीन्स क्या क्या किसके पीछे क्या स्टेप कर करके मीन्स स्टेप बाय स्टेप्स कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये सा एक प्लान बनाता है। और यह में क्या होता है कि एक्शन मीन्स सॉल्व करने का जो भी सपोज दो तीन प्लान बना ये अगर ये प्लान फेल हो गया तो ये प्लान करेगा ऐसा करके प्लान बनाता है फ्रेमवर्क बनाता है हाइपोथेसाइज करके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है जो प्लान ऑफ एक्शन या फिर हाइपोथेसाइजिंग के थ्रू जो भी प्लान बनाया जो भी एक्शन करेगा बोल के मीन्स जो प्लानिंग बनाया उसको क्या होता है डिसीजन मेकिंग में जो मीन्स प्लान को यही प्लान अभी यही प्लान के एक प्लान को सिलेक्ट करके यही प्लान के ऊपर में अभी वर्क करेगा बोल के एक डिसीजन लेता है। देन नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो हाइपोथेसाइजिंग में क्या होता है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड ढूंढते हैं क्या क्या प्लानिंग करना है कैसे करना है वो करते हैं। देन डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेता है कौन सा प्लान में वर्क करेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग में हम लोग सिलेक्ट करते हैं प्लान यही प्लान के ऊपर में काम करेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स वो यहाँ में भी प्लानिंग किया था जो भी प्लानिंग किया था सब अप्लाई करता है डायरेक्टली क्लाइंट के ऊपर में या फिर उसके प्रॉब्लम के ऊपर में।
सो या फिर इम्प्लीमेंट करता है और अप्लाई करता है. देन नेक्स्ट वन इज़ फॉलो अप. सो पहले तो प्लान बना लिया, उसके बाद क्या प्लान में वर्किंग करेगा वो भी डिसीजन ले लिया, उसके बाद प्लान जो एज ए होल पेशेंट के ऊपर अप्लाई भी किया, उसके बाद फॉलो अप. सो अप्लाई कर दिया तो फॉलो अप मीन्स जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में भी फॉलो अप के लिए जाता है. सपोज कुछ बीमारी होने से हम लोग क्या होता है, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है, उसके बाद क्या होता है 1 मंथ के बाद या फिर 15 डेज के बाद डॉक्टर हम लोग को फिर से बुलाता है चेकअप कराने के लिए. मीन जो भी मेडिकेशन दिया है वो अच्छे से हम लोग को वो लेके हम लोग ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है वो जानने के लिए हम लोग फॉलो अप के लिए जाता है. तो ऐसे ही यहाँ में भी होता है कि क्लाइंट को फिर से फॉलो अप के लिए बुलाते हैं. मीन्स जो भी आप लोग हम लोगों ने प्लान इम्प्लीमेंटेशन किया था उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जानने के लिए जो फॉलो अप सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो यहाँ में भी क्लाइंट को सो नेक्स्ट टेक्निक है डिस्कशन टेक्निक. सो डिस्कशन टेक्निक में क्या होता है, डिस्कशन मीन्स जैसे कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, टीचर जैसे कि क्लास में हम कुछ भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यहाँ में भी ऐसे ही है. डिस्कशन टेक्निक में एक ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ काउंसिलर थेरापी ग्रुप में देता है. मीन्स इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देता है, एज ए होल एक ग्रुप के ऊपर. सपोज 15 मेंबर्स हो सकता है, 10 मेंबर्स हो सकता है, 7 मेंबर्स होता है, तो उन लोग को एज ए होल ग्रुप थेरापी प्रोवाइड करता है डिस्कशन के थ्रू. सो यहाँ में क्या होता है, जो ग्रुप का मेंबर लोग होता है उन लोगों का जो प्रॉब्लम सेम होता है और मेनली कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि सपोज कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर में ये सब डिस्कशन करता है. देन यहाँ काउंसिलर एज ए ग्रुप लीडर काम करता है. मीन्स काउंसिलर सिर्फ गाइड करता है ग्रुप को, लीडरशिप प्रोवाइड करता है ताकि ग्रुप खुद का जो मेन टॉपिक है उससे इधर उधर ना जाए इसके लिए. उसके बाद मीन्स हर ग्रुप मेंबर के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सेम पैटर्न का होता है और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो भी सेम पैटर्न का होता है. सो जैसे कि सपोज काउंसिलर, मैंने पहले भी बोला था काउंसिलर का जो काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. सो यहाँ में ग्रुप डिस्कशन में मेनली क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है वो सेम टाइप का प्रॉब्लम होना है और जो ऐसा उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो भी थोड़ा सेम प्रॉब्लम. सपोज एक ग्रुप है जिन लोग का सबका सपोज एल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को काउंसिलिंग देना है, तो ऐसा टाइम में ग्रुप डिस्कशन टेक्निक हेल्पफुल होता है. जैसे कि सपोज एक नया पेशेंट गया है, पहले वाला पेशेंट लोग ऑलरेडी ग्रुप डिस्कशन, तो उन लोग खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो एक्सपीरियंस के थ्रू वो लोग डिस्कशन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मेथड वो लोग ढूंढ लेते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रोल प्लेइंग टेक्निक. सो रोल प्लेइंग टेक्निक में क्या होता है, जैसे कि रोल प्ले या फिर हम लोग जो बोलते हैं ना ड्रामा करते हैं उसके थ्रू भी काउंसिलिंग थेरापी प्रोवाइड कर सकता है. तो रोल प्लेइंग में क्या होता है, एक रोल प्ले करता है मीन्स ड्रामा करता है. जैसे कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पेशेंट है, उनका जो अभी करेंट सिचुएशन है उसके ऊपर सपोज जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं. उसका प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके ऊपर ड्रामा करके वो लोग थेरापी प्रोवाइड करते हैं. और ये जो रोल प्ले थेरापी है ये टू कैटेगरीज में आता है. फर्स्ट वन इज सोशियो ड्रामा और साइको ड्रामा. सो यहाँ में जो साइको ड्रामा है वो है क्या है, एक इंडिविजुअल बेसिस में प्रोवाइड करता है, ठीक है. देन यहाँ में सोशियो ड्रामा मीन्स जैसे कि सोशल रिलेटेड कंडीशन के ऊपर में ड्रामा करते हैं, तो रोल प्ले के थ्रू भी काउंसिलिंग प्रोवाइड किया जा सकता है. देन नेक्स्ट वन इज लेक्चर. सो लेक्चर मीन्स यहाँ में सपोज लेक्चर जैसे कि क्लास में एक टीचर स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर के थ्रू मीन्स लेक्चर जो एक्सपर्ट होते हैं मीन्स काउंसिलर एक्सपर्ट, वो लोग लेक्चर के थ्रू भी काउंसिलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. मीन्स इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग को काउंसिलिंग को या फिर क्लाइंट को प्रोवाइड करता है. सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेनली लेक्चर जो मेथड है एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल में देते हैं और वहाँ में जैसे कि सबका जैसे सिमिलर प्रॉब्लम के ऊपर में और कॉमन काइंड ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर में वो लोग लेक्चर प्रोवाइड करते हैं. जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं वो लोग एक्सपर्ट होते हैं. देन सो नेक्स्ट मेथड है केस कॉन्फ्रेंस. सो केस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हमें जो प्रॉब्लम्स है वो काउंसिलर डिस्कस करता है, एज ए केस डिस्कस करता है. जैसे कि हम लोग
हॉस्पिटल में जब भी कोई एक पेशेंट मिलता है उसको हम लोग केस बोलते हैं। केस मीन्स उसका डिटेल्स डिस्कस करता है, जैसे कि उसका पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सॉरी पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, तो वो सब डिस्कस करे। तो यहाँ में केस कॉन्फ्रेंस में जो काउंसिलर एंड उसका टीम है, सो एज ए केस जो पेशेंट का प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, पर्सन को हेल्प मिलता है सोशल थिंकिंग के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए और यूनिक वैल्यूज़, ये सब में टीम वर्क करता है और जो काउंसिली है उसको हेल्प मिलता है। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेंट कोऑर्डिनेशन, सॉरी कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, यहाँ में ये टेक्निक में जो मालडिक्टिव बिहेवियर है, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है या फिर क्लाइंट का बिहेवियर होता है, उसको क्या करते हैं, जैसे कि रिवार्ड देते हैं, मींस प्राइज देते हैं। सपोज एक स्पेशली जब बच्चा लोगों के, जैसे कि नेल बाइटिंग, कोई कोई बच्चा लोगों का हैबिट होता है कि नेल बाइट करता है, तो यहाँ में ऐसा ट्रीट किया जाता है, अगर तुम नेल बाइटिंग को स्टॉप कर दोगे तो तुमको ये रिवार्ड मिलेगा, ये प्राइज मिलेगा, सपोज चॉकलेट देगा, अगर तुम नेल बाइटिंग को बंद कर देगा तो तुमको चॉकलेट देगा, ऐसा टाइप से रिवार्ड देता है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेंट कोऑर्डिनेशन, सॉरी कंडीशनिंग। देन सो ऐसे अगर रिवार्ड मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा भी क्या होता है, रिवार्ड मिलेगा बोल के वो धीरे धीरे उसका जो बैड हैबिट्स है छोड़ने लगता है। देन एवर्सिव कंडीशनिंग। सो एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये अपोजिट है। यहाँ में क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ में रिवार्ड देता है, प्राइस देता है, और यहाँ में एवर्स कंडीशनिंग में क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है। सपोज़ यहाँ में कुछ भी मालडिक्टिव बिहेवियर या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर अगर किसी बच्चे में होगा तो, या फिर तो पनिशमेंट दिया, या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन के साथ वो लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोज़ यहाँ में मेनली अल्कोहलिज्म, देन होमोसेक्सुअलिटी, ये सबको ट्रीट किया जाता है। सपोज़ कुछ भी गलत करने से, जैसे कि पनिशमेंट, या फिर सपोज़ अल्कोहलिज्म में, अल्कोहलिज्म पेशेंट को क्या करता है, एक मेडिसिन देता है। सो वो मेडिसिन लेने के बाद अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या होता है, उसका वोमिटिंग होता है, तो वो क्या होता है, अल्कोहल धीरे धीरे कंज्यूम करना बंद कर देता है। तो ऐसा कंडीशन में, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है एवर्स कंडीशनिंग में। देन नेक्स्ट वन इज रिसिप्रोकल इनहिबिशन। सो रिसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ मेनली इन दिस टेक्निक द पर्सन हैविंग एंजाइटी, फियर एक्सेट्रा इज आस्क्ड to shift his imagination from the fearful condition to a less threatening scene. So यहाँ में imagination करने के लिए देते हैं patient को, counselor जो client है उनको imagination करने के लिए। suppose किसी को अगर एक close area से डर लगता है, close and suppose एक छोटा room, अंधेरा room से डर लगता है, तो patient को imagine करने के लिए देते हैं। suppose रूम में अगर आप है, सपोज आपके साथ कोई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सिचुएशन इमेजिनेशन करने के बाद धीरे धीरे वो पेशेंट जो जिसको फियर होता है, स्पेशली फोबिया पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि फोबिया मीन्स इरेशनल फियर, जैसे बहुत बहुत ज़्यादा जिसी को डर लगता है और जिसके वजह से हम लोग का डे टू डे लाइफ हैम्पर होता है, ऐसा कंडीशन को बोलते हैं फोबिया। सो यहाँ में रिसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, पेशेंट को पहले इमेजिनेशन करने के लिए देता है, धीरे धीरे वो इमेजिनेशन, जिसको फोबिया होता है वो इमेजिनेट करने के लिए भी डरते हैं। लेकिन यहाँ में क्या होता है, धीरे धीरे जब पेशेंट मतलब एडजस्ट हो जाता है, धीरे धीरे इमेजिनेशन कर सकता है वो सिचुएशन को, उसके बाद धीरे धीरे वो रियलिटी सिचुएशन में उन लोग को एडजस्ट किया जाता है और धीरे धीरे उन लोगों का फियर दूर हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज डिसेंसिटाइजेशन। सो डिसेंसिटाइजेशन भी सेम है, यहाँ में भी डायरेक्टली एक्सपोज टू द सिचुएशन, मीन्स यहाँ में ग्रेजुअली धीरे धीरे सिचुएशन के साथ उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी को इंसेक्टोफोबिया होता है, जैसे कॉकरोचेस, मक्खी, ये सबसे इंसेक्ट से फोबिया होता है, तो यहाँ में क्या होता है, पहले वो सिचुएशन को इमेजिनेशन करने के लिए देते हैं। जैसे कि सपोज आपके सामने एक कॉकरोच है, आप इमेजिन करो, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सपोज कॉकरोच के पिक्चर दिखाया जाता है, उसके बाद अगर उसके साथ वो कोऑपरेट कोप अप हो गए तो
प्लास्टिक का जो टॉयस मिलता है ऐसा वाला नकली वाला कॉकरोचेस उन लोग के सामने रख दिया जाता है। उसके बाद अगर उसके साथ वो एडजस्ट हो गया देन रियल ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप रियल ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो कंडीशन को बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन। देन नेक्स्ट वन इज रिलैक्सेशन। सो होल जितना भी ये प्रोसेस है, जितना भी ये टेक्निक्स है जो हम लोग का काउंसिलिंग का जो टेक्निक्स है, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन है। हम भी कुछ भी थेरापी प्रोवाइड करेगा तो फर्स्ट थिंग पेशेंट को एक एनजाइटी होगा, फियर होगा, तो इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिलैक्सेशन टेक्निक में हमें इधर प्रोसेस और प्रोसीड्योर और एक्टिविटी डेट हेल्प ए पर्सन टू रिलैक्स। सो यहाँ में रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाया जाता है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कुछ भी फियरफुल सिचुएशन सडनली एक्सपोज हो गया पेशेंट, उसको अगर कंट्रोल नहीं कर सका है, अगर पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ में ये थेरापी जितना भी थेरापी है उसके साथ साथ जो काउंसिलर है वो काउंसिलिंग को या फिर क्लाइंट को रिलैक्सेशन टेक्निक भी साथ ही साथ प्रोवाइड करता है। सो आज का टॉपिक है काउंसिलिंग इन द कम्युनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग नीड्स। व्हेन अ काउंसिलर प्रोवाइड काउंसिलिंग सर्विसेज इन द कम्युनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और सी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। सो जब एक काउंसिलर या फिर काउंसिलिंग टीम या फिर हेल्थ टीम एक कम्युनिटी में जाते हैं कुछ भी काउंसिलिंग थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए, तब क्या होता है, वो जो कम्युनिटी है वहाँ में क्या क्या नीड्स है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकेंगे तभी उन लोग को थेरापी प्रोवाइड किया जा सकेगा। यूजुअली कम्युनिटी काउंसिलिंग में नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं या फिर मेनली नर्स लोग ही काउंसिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कम्युनिटी में जाने से हम लोग छोटा मोटा एडवाइस करते हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड के ऊपर में मोटिवेट करते हैं, तो वो भी एक तरह का काउंसिलिंग है। तो मेनली कम्युनिटी में क्या होता है, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होता है फॉर काउंसिलिंग सर्विसेज। सो नर्स मीन्स नर्स का एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, नर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आइडेंटिफाई करे किसको काउंसिलिंग सर्विसेज जरूरी है। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है, मेनली कम्युनिटी में काम करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एरिया में जितना भी लोग हैं वो लोग सबको वो क्या होते हैं, उन लोग को उनके नर्स के पास उन लोग का इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो जानती है कि कहाँ में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अब देखें तो कि क्या क्या प्रॉब्लम में कम्युनिटी में काउंसिलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सो क्या क्या प्रॉब्लम के ऊपर कम्युनिटी में काउंसिलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऑफ एडोलेशन सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी मीन्स फियर, फोबिया, ये सब। देन कंडक्ट डिसऑर्डर मीन्स टेम्पर टेंट्रम, जैसे कि कुछ भी सामान नहीं मिलने से जो एक गुस्सा शो करता है। मूड डिसऑर्डर में आएगा जैसे कि डिप्रेशन, मैनिक डिसऑर्डर, स्क्रिजोफेनिया बहुत कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर में आएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलेमिया, जो क्या होता है कोई कोई ये सब ओवर ईटिंग हैबिट्स है, या फिर कोई कोई जो खाना ही नहीं खाता है। देन एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, देन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब साइकेटिक प्रॉब्लम के अंदर में आता है। देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस। सो पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर डिलीवरी। सो यहाँ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस ये दोनों स्पेशली जो लेडी ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है पोस्टपार्टम प्रॉब्लम है फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन मीन्स जब पोस्टपार्टम के सपोज डिलीवरी के बाद जिस जो जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए डिप्रेशन हो जाता है स्पेशली जो डिलीवरी करता है। देन पोस्टपार्टम साइकोसिस भी सेम है जो डिलीवरी के बाद साइकेटिक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एल्डरली, एग्जाम्पल एंजाइटी, लोनलीनेस, गिल्ट, डिप्रेशन, डिमेंशिया, डेलिरियम, पैरानॉइड डिसऑर्डर एक्सेट्रा। सो जब एक पर्सन का एज हो जाता है तो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी स्टार्ट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेनली उन लोगों का क्या रहा है, एनजाइटी एंड लोनलीनेस, क्योंकि सपोज एक कपल में से एक एक पार्टनर का डेथ हो गया तो लोनलीनेस क्रिएट होता है, गिल्ट उस टाइम में क्या होता है, गिल्ट, देन डिप्रेशन, ये सब कॉमन डिसऑर्डर है एल्डरली का। देन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड एब्यूज, सो यहाँ में सपोज विक्टिम्स ऑफ वायलेंस जैसे कि डाउरी सिस्टम के वजह से जो खुद का बहू बहू के ऊपर जो वायलेंस करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, फिर सेक्सुअली एब्यूज, इन लोगों को भी काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन फिजिकली हैंडीकेप पर्सन, सो फिजिकली हैंडीकेप पर्सन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्पुटेड लेग हो गया, पोलियोमाइलाइटिस, ये सब की वजह से क्या होता है, फिजिकली हैंडीकेप होता है, या फिर डेफ एंड डम, सो ये सब कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का जो मेंटल जो हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है। देन पर्सन्स एंड फैमिलीज हैविंग जेनेटिक प्रॉब्लम, सो किसी का फैमिली में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो ऐसा पर्सन को भी काउंसलिंग जरूरी है, कैसे गाइड करके नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग करे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एरियाज ऑफ काउंसलिंग इन द कम्युनिटी, सो यहाँ में क्या क्या एरिया में काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कम्युनिटी में। सो साइकोटिक डिसऑर्डर्स ऑफ एडोलेसन, सो यहाँ में पहले ही है जैसे एंगजाइटी डिसऑर्डर, एंगजाइटी डिसऑर्डर में क्या आएगा, स्कूल फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। स्कूल फोबिया मीन्स जैसे कि कभी कभी जब हम लोग का स्कूलिंग स्टार्ट होता है बच्चा लोग तो स्कूल जाने से डरता है, मीन्स एक्सट्रीम लेवल का जो डर है उसको बोलते हैं फोबिया। तो स्कूल फोबिया मीन्स कोई कोई बच्चा स्कूल जाने स्कूल के सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर सकता है, मीन्स जाने ही नहीं चाहता है, वो उसको बोलता है स्कूल फोबिया। देन सोशल फोबिया, कोई कोई एडोलेसेंट या पर्सन क्या होता है सोशल नहीं हो सकता है, सिर्फ घर के अंदर में रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता, वो कंडीशन को बोलते हैं सोशल फोबिया। एगोराफोबिया मीन्स जैसे कि फियर ऑफ हाई प्लेस, जैसे कि कुछ हाई सीढ़ियाँ नहीं, जैसे कि स्टेप्स नहीं चढ़ सकेंगे, या फिर ऊंचा जैसे कि उस ऊपर उठने से उन लोग को जो डर लगता है उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। देन कंडक्ट डिसऑर्डर्स, सो कंडक्ट डिसऑर्डर में आएगा एग्रेसिव बिहेवियर इन द होम और एट स्कूल। सो एग्रेसिव बिहेवियर, जो बच्चा लोग एग्रेसिव बिहेवियर टेम्पर टेंट्रम शो करता है, अगर सपोज कोई चीज़ वो लोग को वो पेरेंट्स हो या टीचर हो उन लोग को मांग रहा है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या होता है, एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करता है, उसको बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम, जैसे कि चीज़ें फेंकना, उसके बाद चीज़ें तोड़ना, ये सब बिहेव करते हैं, तो वो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर में आएगा। सो ऐसा केस में भी क्या होता है, काउंसलिंग थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। देन मूड डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर में आएगा डिप्रेसिव मूड, एंगर, एलिएशन फ्रॉम पेरेंट्स, विथड्रॉयल फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट विथ पीयर्स एंड अनअचीवमेंट एट स्कूल्स। सो मूड डिसऑर्डर में मेनली डिप्रेसिव मूड आएगा, एंगर आएगा, एलिनमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, एलिनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, देन विथड्रॉयल फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट विथ पीयर्स एंड अनअचीवमेंट एट स्कूल। सो ये सब मूड डिसऑर्डर के अंदर में आएगा। सो ये सब कंडीशन में भी क्या होता है, काउंसिलिंग थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। देन स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर, साइकोटिक प्रॉब्लम में से ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और ये क्रॉनिक डिजीज है, व्हिच इज मोर कॉमन इन एडोलेसेंट बॉयज। सो स्किज़ोफ्रेनिया जो कंपेयर टू फीमेल, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, तो मेनली क्या होता है एडोलेसेंट बॉयज में ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी दिखाई देता है। देन नेक्स्ट वन इज ईटिंग डिसऑर्डर, सो ईटिंग डिसऑर्डर में आएगा प्रॉब्लम विथ ईटिंग एंड वेट। सो मैंने पहले भी बोला बुलेमिया देन एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलेमिया में क्या होता है एक्सेसिव ईटिंग, मीन्स ज़्यादा खाते हैं, और देन एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है वो लोग खाने के लिए छोड़ ही देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सुसाइड एंड डिलीबरेट हार्म, सो सुसाइड मीन्स सुसाइडल पेशेंट, मेनली डिप्रेसिव पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। सो इज़ इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर, सो आजकल क्या होता है डे टू डे डे बाई डे सुसाइडल केस जो इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए भी काउंसिलिंग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। देन एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज, एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड ड्रग्स। सो एडोलेशन में क्या होता है एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज बहुत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, तो इसको ये एक माल अडेप्टिव बिहेवियर है, तो इसको रोकने के लिए भी काउंसिलिंग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली एडोलेशन बॉयज को। देन सेक्सुअल प्रॉब्लम, यहाँ में आएगा फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव वरी अबाउट मास्टरबेशन, सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड ओरिएंटेशन, टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। सो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर में भी क्या होता है काउंसिलिंग थेरेपी प्रोवाइड करता है। देन काउंसिलिंग, सो क्या है काउंसिलिंग, क्या है यहाँ में है
ट्रीट द एडोलेसन एज एन इंडिविजुअल। सो काउंसलिंग थेरेपी में एडोलेसन को क्या करते, स्पेशली ये सब जो प्रॉब्लम है ये जो मैंने बोला है ये सब एडोलेसन के लिए। सो यहाँ में काउंसलिंग थेरेपी में क्या 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 काउंसलिंग, यहाँ इन लोगों को कैसे काउंसलिंग थेरेपी दिया मीन्स प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रीट द एडोलेसन एज एन इंडिविजुअल, सॉरी एज एन इंडिविजुअल क्लाइंट। सो एडोलेसन को एज एन इंडिविजुअल एज ए क्लाइंट ट्रीट किया जाता है। देन ग्रुप सपोर्ट एंड बिहेवियरल थेरापीज। सो जैसे भी हो हम लोग को पहले से पता है एज ए क्लाइंट हम लोग वो जैसे हो ऐसे एक्सेप्ट करना है और उन लोग के सपोर्ट देना है। ये मेनली मोस्ट ये टाइम में ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन है तो ऐसा करके उन लोग को सपोर्ट देना है, मीन्स इमोशनल सपोर्ट देना है। बिहेवियर थेरापी, जो थेरापीज मैंने पहले आप लोग को डिस्कस किया था इससे पहले प्रीवियस क्लास में, जो थेरापीज था जैसे कि ग्रुप डिस्कशन थेरापी हो गया, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया, तो वो सब थेरापी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। जैसे भी जो भी माल एडाप्टिव बिहेवियर है या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको करेक्ट करने के लिए बिहेवियरल थेरापी प्रोवाइड करता है। देन इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द थेरापीज। सो यह हमें क्या होता है फैमिली मेम्बर्स को भी थेरापीज में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जैसे कि क्लिनिक में तो जो काउंसिलर है वो थेरापी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन घर में क्या होता है अगर फैमिली मेम्बर को भी एडुकेट किया जाएगा, अगर फैमिली मेम्बर को भी सिखाया जाएगा तो वो लोग भी उन लोग को फॉलोअप करा सकता है, मीन्स घर में भी धीरे धीरे थेरापी प्रोवाइड कर सकता है। देन जो भी मीन्स एटलीस्ट वो लोग थेरापी प्रोवाइड नहीं करने से भी एटलीस्ट सपोर्ट कर सकता है। देन प्लान फॉर अप्रोप्रिएट रेफरल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो यहाँ में काउंसलिंग थेरापी में क्या है हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रहना है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो इसके लिए रेफरल सर्विसेज हमेशा मीन्स उसका पेशेंट का कंडीशन का हिसाब से रेफरल जो सर्विसेज है हमेशा अवेलेबल रखना है। देन नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ओमेन। सो ओमेन में क्या क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाता है। सो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड एफेक्टिव डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ईटिंग डिसऑर्डर, अटेम्प्ट सुसाइड एंड स्क्रिजोफेनिया। सो स्क्रिजोफेनिया जो है मैंने बोला है कि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, मेनली ये जो सबसे कॉमन साइकोटिक मीन्स साइकेटिक प्रॉब्लम अगर दिखाई देगा तो जितना भी साइकेटिक प्रॉब्लम है उससे 20% से आप लोग का जितना भी हॉस्पिटल सपोज इंडिया में वर्ल्ड वाइड जितना भी हॉस्पिटल्स है उसमें आपका 20% मेंटल इलनेस का 20% के स्क्रिजोफ्रेनिया ही आप लोग को दिखाई देगा। तो इसमें सबसे कॉमन मेल में होता है, कंपेयर टू फीमेल मेल में ज़्यादा स्क्रिजोफ्रेनिया पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में भी स्क्रिजोफ्रेनिया होता है। देन सुसाइड जो आप लोग को पता है, सेल्फ हार्म, ईटिंग डिसऑर्डर जो बुलेमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब ईटिंग डिसऑर्डर है। सो मेनली फीमेल में ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दिया जाता है। देन स्पेसिफिक फीमेल साइकोटिक डिसऑर्डर इंक्लूड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पार्पोरल एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस, मेटर्निटी ब्लूज एंड मेनोपोज। सो ये सब क्या होता है, मेनोपोज एक्चुअली डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ में क्या होता है मेनोपोज में थोड़ा हम लोग का हार्मोनल इम्बेलेंस होता है जिसके वजह से सपोज कभी कभी एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, कभी कभी डिप्रेशन होता है, कभी कभी मीन्स इसमें हम लोग का जो इमोशनल स्टेटस है वो स्टेबल नहीं रहता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर में भी काउंट किया जा सकता है। देन मेटर्निटी ब्लूज, ये भी एक वन काइंड ऑफ डिप्रेशन है जहाँ में सपोज एक माइल्ड डिप्रेशन है। देन जो पोस्टपार्टम साइकोसिस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जब डिलीवरी के बाद साइकेटिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के बाद जब डिप्रेशन होता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो कंडीशन को बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो ये सब फीमेल में कॉमन है। देन नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग। सो ये सब फीमेल कंडीशन में क्या क्या काउंसलिंग थेरेपी मीन्स क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। सो यहाँ में फर्स्ट वन इज काउंसलिंग फॉर इमोशनल सपोर्ट बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो ये सब कंडीशन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर जो भी उनका रिलेटिव्स हो, क्लोज मेम्बर हो, उन लोगों को क्या होता है सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जब फैमिली सपोर्ट मिलने से क्या होता है इमोशनली जो पर्सन है स्ट्रांग होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज काउंसिलिंग फॉर एक्सरसाइजिंग, टॉकिंग एनअप स्लीप एंड ब्लैंड
बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। सो यहाँ में क्या होता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है यूजुअली हम लोग का जो एक्सरसाइज या फिर सो मन का हम लोग का जो स्टेटस है वो दूसरे के सामने खोल के रखना या फिर अच्छे से सोना, ये सब करने से मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो जाता है, स्पेशली मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स और बैलेंस न्यूट्रिशन। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी प्रोवाइड किया जाता है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। देन सपोर्ट ग्रुप एंड रीअश्योरेंस, सो यहाँ में क्या होता है, सपोर्ट ग्रुप्स एंड रीअश्योरेंस, पेशेंट को रीअश्योरेंस मीन्स इमोशनली सपोर्ट दिया जाता है। देन वर्क ऑन सेल्फ एस्टीम, सो यहाँ में क्या होता है, जो फीमेल मेनली हम लोग का फीमेल में सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ में क्या होता है काउंसिलिंग के थ्रू जो सेल्फ एस्टीम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं। टॉपिक इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एल्डरली, सो एल्डरली में क्या क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। सो यह में फर्स्ट इमोशनल रिएक्शन इंक्लूड एंजाइटी, लोनलीनेस, गिल्ट, डिप्रेशन, सोमैटिक कॉम्प्लेन्स, पैरानॉइड रिएक्शन, सेनिलिटी एसेट्रा। सो यहाँ में सपोज एल्डरली पीपल में ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर्स, लोनलीनेस, गिल्ट, डिप्रेशन, सोमैटिक कॉम्प्लेन्स, ये सब कॉमन डिसऑर्डर्स है। द कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिप्रेशन, डिमेंशिया, डेलिरियम। सो डिमेंशिया मीन्स फॉरगेटफुलनेस, जो एज के साथ साथ हम लोग का जो ब्रेन का सेल्स है धीरे धीरे डेथ होने लगता है, इसके वजह से फॉरगेटफुलनेस आता है। प्लस हम लोग का बहुत सारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जो मेनली कॉमन प्रॉब्लम है। ये सब आपको एजेड पर्सन अगर 80 के ऊपर में घर में आप लोग का ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होगा तो ये सब प्रॉब्लम आप लोग को दिखाई देगा। देन पैरानॉइड डिसऑर्डर्स। सो आज का टॉपिक है विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड एब्यूज। सो विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, इसमें फिजिकल एब्यूज जैसे कि डाउरी सिस्टम जब या फिर रेप विक्टिम्स वो सब आता है। सो यहाँ में जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे कि मेल फीमेल को जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्वारल होने से फीमेल को मारते हैं, या फिर न्यूली वेड फीमेल को कभी कभी डाउरी सिस्टम के लिए मारपीट करते हैं, वो सब यहाँ में इंक्लूड होता है। एग्जांपल अगेंस्ट वुमेन फिजिकल सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म, एनी काइंड ऑफ फिजिकल भी हो सकता है या फिर सेक्सुअल जैसे कि रेप, देन साइकोलॉजिकल हार्म, ये सब ये वायलेंस एंड एब्यूज के बीच में आता है। देन चाइल्ड एब्यूज के अंदर में चाइल्ड को मारना या फिर चाइल्ड लेबर, ये सब चाइल्ड एब्यूज में अंडर में आता है। देन चाइल्ड नेगले, देन सेक्सुअल एब्यूज। सो ये केस में फिजिकल वायलेंस एंड एब्यूज में क्या क्या काउंसिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं विक्टिम को, जो भी क्लाइंट हो जो भी पेशेंट हो उन लोग को रीअश्योरेंस मीन्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन विक्टिम को एनकरेज करता है वेंटिलेशन फॉर फीलिंग्स इमोशन एसोसिएटेड विथ रेप ट्रॉमा। सो यहाँ में उन लोग का जो फीलिंग्स है फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उनको एनकरेजमेंट करते हैं, स्पेशली रेप विक्टिम्स को। देन सोशल सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प द विक्टिम, सो जो भी सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसको विक्टिम को हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं। देन प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट ऑफ हेल्थ ट्रेड्स, सो री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। देन प्रोवाइड लीगल काउंसिलिंग टू द विक्टिम एंड फैमिली, सो लीगल काउंसिलिंग मीन्स लॉ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब विक्टिम स्पेशली रेप विक्टिम को एंड सेक्सुअली एब्यूज विक्टिम को विक्टिम या फिर उन लोगों फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड करते हैं। देन साइकेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ HIV एंड AIDS, सो HIV एंड AIDS, सो हम लोग सबको पता है HIV एंड AIDS क्या है। सो यहाँ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट HIV एड्स जब किसी पेशेंट को होता है तो यहाँ में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, क्या मेनली HIV एड्स जो क्या होता है, मेनली हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करता है, तो इसीलिए हम लोग का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग का एवरी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि एज रिलेटेड डिमेंशिया, सो मैंने आप लोग को पहले ही बोला डिमेंशिया क्या होता है, एज रिलेटेड मीन्स जब एक पर्सन का एज होता है तो धीरे धीरे ब्रेन का जो सेल से डेथ होने लगता है, उसके बाद फॉरगेटफुलनेस, उसके बाद क्या वीकनेस, ये सब आता है। तो ए न्यूरोलॉजिकल HIV एज पेशेंट का क्या होता है, ये जो डिमेंशिया है अर्ली एज में ही आ जाता है। सो नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव
मोटर एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव फंक्शन डिस मीन्स कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, मोटर फंक्शन जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से कभी भी मोटर फंक्शन जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ उठाता है या फिर रखता है, ये सब में मसल डिसकोऑर्डिनेशन, मसल का जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो जाता है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है। देन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आएगा जैसे कि एग्रेसिवनेस, ये सब इंक्रीज हो जाता है। देन शॉक, डिसबिलीफ, एंगर, ग्रीफ, सैडनेस एंड फियर। सो ये सब क्या होता है, जैसे कि एच आई वी एज कंडीशन जो सब जानते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो इसके वजह से ये सब एंगर आता है, ग्रीफ होता है, सैडनेस, फियर, ये सब उन लोगों में पेशेंट में होता है। देन एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर। देन साइकोटिक सिम्टम्स, सो साइकोटिक सिम्टम में सिम्टम्स के अंदर में ही ये सब आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर। तो जब एक पेशेंट को एच आई वी या फिर एज होता है तो एवरी सिस्टम में हम लोग का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या होता है, उन लोग का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा केस में क्या क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, सो ये हमें काउंसलिंग फॉर डिस्टर्ब सेल्फ एस्टीम। सो ये सब जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आएगा, सब इमोशनल डिसऑर्डर्स, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जब पेशेंट एक प्रॉब्लम्स आता है तो यहाँ में सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है आदमी का, तो इसलिए सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन वेरियस सपोर्टिव मेजर्स, तो सपोर्टिव मेजर्स में आ गया जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके लिए मेडिकेशन, ये सब। उसके बाद सपोर्टिव थेरापी, काउंसलिंग थेरापी के साथ साथ जैसे कि जो पहले आप लोग को जो थेरापीज लोग सिस्टमेटिक डिस्टेंसलाइजेशन, ये सब कुछ थेरापीज उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है। ग्रुप थेरापी सबसे इंपॉर्टेंट है एच आई वी एज पेशेंट के लिए। देन नेक्स्ट वन इज़ फिजिकली हैंडीकैप। सो फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट मीन्स जिसका फिजिकली नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा पेशेंट के लिए सो नीड टू बी एनकरेज बाय द टीचर एंड अदर्स। सो अगर सपोज आप लोग के यहाँ में टीचर्स स्पेशली अगर एडोलेशन पीपल हो गया तो ऐसे टीचर्स लोग और ये सब क्या होता है, नीड टू बी एनकरेज बाय द टीचर्स लोग, एनकरेजमेंट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एडोलेशन या फिर एडोलेशन लोग स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल या कॉलेजेस में स्पेंड करते हैं, तो इसमें टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पीयर्स में बिकम इन्वॉल्व इन टीजिंग, कास्टिंग इंसल्टिंग रिमार्क एंड एक्सक्लूडिंग द हैंडीकैप चाइल्ड फ्रॉम गेम्स एंड ग्रुप टाइप एक्टिविटीज। सो ये जो वर्ड है गलत प्रिंट हुआ है, ये एक्सक्लूडिंग है। सो यहाँ में क्या होता है, पीयर्स कभी कभी उन लोगों से, वो लोग नॉर्मल बच्चा लोग कभी उन लोगों से अलग किसी को देखते हैं तो क्या होता है, उन लोग इंसल्ट करने के लिए, टीजिंग करने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर कुछ भी इंसल्टिंग वर्ड उन लोगों में पास करते हैं। देन सपोज़ उन लोग का जो गेम एक्टिविटी, उन लोग को अलग कर देता है, जो भी ग्रुप इन्वॉल्व एक्टिविटीज है उनमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं। देन इसमें ये कंडीशन में क्या क्या काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ फोकस व्हाट दे कैन डू एट ऑल टाइम्स। सो जो भी हैंडीकैप पीपल है वो कहाँ में बिजी रह सकते हैं, जो काम ऑल द टाइम वो कर सकता है, ऐसा वाला कुछ एक्टिविटी में उन लोग को एंगेज रखना है। देन सो आइडेंटिफाई चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड कैपिटलाइज देम। सो यहाँ में क्या होता है, चाइल्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको एज ए टीचर या फिर एज ए काउंसलर आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और उन लोगों को कैपिटलाइज करना है। एंड टीच अदर चिल्ड्रेन टू डेवलप रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप। सो अगर कुछ भी फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड है क्लासरूम में तो जो अदर चिल्ड्रेन है उन लोग को सिखाना है उनकी वो भी नॉर्मल पर्सन है, तो उन लोग को रेस्पेक्ट करना है प्लस उसको एक्सेप्ट करना है एज ए फ्रेंड। देन नेवर पिटी द फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड। सो उन लोग को पिटी नहीं करना है, दैट मीन्स उन लोग के लिए कुछ भी दया वो नहीं दिखाना है, एज ए वो लोग जैसे हैं वैसे ही उन लोग को ट्रीट करना है प्लस एक्सेप्ट करना है। देन इन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, टीचर एंड रेस्ट ऑफ द क्लास अबाउट फिजिकल हैंडीकैप्स। सो जब सॉरी इन एब्सेंस ऑफ द चाइल्ड, टीच द रेस्ट ऑफ द क्लास अबाउट द फिजिकल हैंडीकैप। सो जब वो चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट नहीं हो ऐसा टाइम में, जो क्लास का बाकी स्टूडेंट है उन लोग को सिखाना है व्हाट इज़ फिजिकली हैंडीकैप क्या है और प्लस कैसे उन लोग के साथ बिहेव करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक काउंसलिंग। सो जेनेटिक काउंसलिंग मीन्स इट इज़ अ कॉमन प्रोसेस दैट डील विथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ और द रिक्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन फैमिली। सो जेनेटिक काउंसलिंग मीन्स जेनेटिक मीन्स हम लोग का जो फैमिली जेनरेशन बाई जेनरेशन, सपोज जैसे कि
हेरिडिटी प्रॉब्लम, जैसे कि फैमिली मेंबर में किसी का हो तो नेक्स्ट किसी का होने का चांसेस इंक्रीज होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम में कैसे क्या क्या काउंसिलिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, द प्रोसेस ऑफ काउंसिलिंग, हेल्प द इंडिविजुअल और फैमिली टू। सो जो भी इंडिविजुअल है उनको हेल्प करना है एज वेल एज द फैमिली मेम्बर। सो कॉम्प्रिहेंस द मेडिकल फैक्ट्स, सो यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल जो फैक्ट्स है उन लोग को अच्छे से बोलना है, क्लियरली बोलना है, इंक्लूडिंग द डायग्नोसिस, प्रोबेबल कोर्स ऑफ द डिसऑर्डर एंड द अवेलेबल मैनेजमेंट। सो जो भी है जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक होना के होने का पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, या फिर जो कॉस्ट है या फिर जो डायग्नोसिस है वो क्लियरली फैमिली मेम्बर को या एज वेल एज द इंडिविजुअल जो भी पेशेंट है उन लोग को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने। देन अप्रिशिएट द वे हेरिडिटी कंट्रीब्यूट्स टू द डिसऑर्डर एंड द रिस्क ऑफ रिओकरेंस इन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। सो यहाँ में क्या होता है, अप्रिशिएट द वे हेरिडिटी कंट्रीब्यूट्स सो टू द डिसऑर्डर। सो यहाँ में सपोज हेरिडिटी, हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी डिसऑर्डर्स जनरेशन बाय जनरेशन होते हैं, और यहाँ में स्पेसिफिकली फैमिली मेम्बर्स को बोलना है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि कौन सा पर्सन स्पेशली रिस्क में होते हैं, स्पेशली जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली कैसा फीमेल में कॉमन है, अगर माँ का हो, कोई भी बच्चे का माँ का हो तो नेक्स्ट गर्ल चाइल्ड का होने का चांसेस इंक्रीज होता है। तो इसका कंपेयर से गर्ल चाइल्ड का कंपेयर से मेल में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रिड्यूस होता है। तो ऐसा वाला फैक्टर्स ओपनली फैमिली मेम्बर या फिर पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन अंडरस्टैंड द अल्टरनेटिव्स फॉर डीलिंग विद द रिस्क ऑफ रिकरेंस। सो जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि सपोज ऑलरेडी एक बार प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे बार अगर रिक्स है और रीअश्योरेंस का, यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर जो रिक्स होते हैं, हाई रिक्स में होते हैं रीअकरेंस का, तो इसीलिए उन लोग को अल्टरनेटिव पहले ही डीलिंग करने के लिए अल्टरनेटिव जो भी हुए हैं वो पहले ही उन लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन चूज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट सीम्स टू देम अप्रिशिएट इन व्यू ऑफ देयर रिक्स, देयर फैमिली गोल्स एंड टू एक्ट इन एडोलेशन विथ सॉरी अकॉर्डेंस विथ द डिसीजन। सो यहाँ में क्या होता है, चूज द कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी प्रॉब्लम है जो उन लोग को खुद चूज करने के लिए फ्रीडम देना है, जो भी प्रॉब्लम है उन लोग ट्रीटमेंट खुद चूज करने के लिए उन लोग को फ्रीडम देना है। देन टू मेक द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट टू द डिसऑर्डर्स इन द एफेक्टेड फैमिली मेम्बर एंड और टू द रिस्क ऑफ रीअकरेंस ऑफ देयर डिसऑर्डर। सो यहाँ में फैमिली मेम्बर को बोलना है कि जो भी पॉसिबल हुए है उतना एडजस्टमेंट, जैसे कि सपोज साइकेटिक डिसऑर्डर्स लो, यहाँ में क्या होता है फैमिली मेम्बर को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पेशेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये भी है कि अगर जैसे कि स्क्रिजोफेनिया जो एक क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये जो मीन्स चांसेस होता है अगर फैमिली में किसी का हो, नेक्स्ट जनरेशन में फैमिली में किसी का होने का चांसेस इंक्रीज होता है। तो ये सब में उन लोग को पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और उन लोग का उसमें काउंसलिंग सर्विसेज देना ज़रूरी है ताकि पेशेंट को एक्सेप्ट कर सके एज वेल एज जो उन लोग के लिए जो रिस्क है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग पहले ही प्रिपेयर रहे। देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ काउंसलर।